अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मदर इकबाल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हाजिर हूं। आज जो मेरी वीडियो का उनवान है वो है बालों की ग्रोथ, बालों को मजबूत करने का तरीका, गिरते बालों का इलाज। आज मैं आपको देसी शैम्पू बनाने का तरीका बताऊंगा। तो इलाज बताने से पहले, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगी घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि इस तरह की जो मज़ीद वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो ये जो देसी, आज आपको क्योंकि बाज़ार में आपको केमिकल के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शैम्पू मिल जाते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल होने की वजह से आपके बालों की मजबूती को बरकरार नहीं रख सकते, बल्कि उसके साथ आपके बाल जो हैं वो कमज़ोर और बेरुखी और बेजान हो जाते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको ये देसी शैम्पू बनाने का तरीका बताऊँगा, ये बहुत ही आसान है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके साथ आपके बाल मजबूत होंगे, बालों की लंबाई में भी इजाफा होगा, दो मुँहें और खुश्क और बेजान जो बाल हैं उनमें एक नई चमक पैदा हो जाएगी, बाल चमकदार हो जाएंगे और मजबूत से मजबूत होते जाएंगे और बालों की लेंथ में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें चाहिए, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जिस तरह देख रहे हैं आप, मेरे पास ये है आंवला, ये पहले नंबर पर आप देख लें, ये है आंवला। ये खुश्क हालत में किसी भी प्रसाद स्टोर से आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा दूसरे है इसमें रीठा, ये है रीठे। तो ये भी आपने तकरीबन, मैंने ये तमाम क्वालिटी जो है दो दो तोला लिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप इसकी मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए कि आपने कैसे शैम्पू इस्तेमाल करना है। तो उस सूरत में ये है रीठा। तो इसके अलावा तीसरी हमारे पास है सिक्का काई, ये भी आपने दो तोला ले लेनी है। ये सिक्का काई भी दो तोला, रीठा भी दो तोला और खुश्क आंवले भी दो तोला, ये आपने तीनों चीज़ें दो दो तोला ले लेनी है। अब इसको इसको अच्छी तरह, यानी कि आपके पास तकरीबन एक लीटर पानी होना चाहिए, एक लीटर पानी में आप सारी रात इसे भिगो के रखें। आंवला, रीठा और सिक्का काई तीनों को एक लीटर पानी में भिगो के रखें। सुबह उससे एक लीटर जो पानी आपके पास होगा तो उसे आपने किसी लोहे के बर्तन में, कोशिश करें कि लोहे का बर्तन हो, स्टील सिल्वर वगैरह के ना हो, लोहे के बर्तन में। ये फ़ायदा होता है कि उसके साथ उसका लोहा जो होता है, यानी कि उसके जिंक जो होता है वो उसके अंदर शामिल हो जाता है। तो जिंक शामिल होने की वजह से वो बालों में मजबूती पैदा करता है। अगर आपके पास लोहे का बर्तन नहीं है तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, इन तीनों का भी अच्छा है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपने एक लीटर, यानी कि एक लीटर में इसे पानी में सारी रात को पड़ा रहने देना है। उसके बाद सुबह उसे एक लीटर जो आपका पानी होगा उसे आपने किसी भी बर्तन में डाल के हल्की हल्की आँच पे चूल्हे पर रख देना है। तो जब वो एक लीटर पानी ऐसा ऐसा खुश्क होना शुरू हो जाएगा, वो एक लीटर में से हाफ लीटर बच जाएगा, यानी कि आधा लीटर जब पानी आपका बच जाएगा तो आपने उस पानी को चूल्हे से उतार लेना है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं कि एक लीटर पानी में हमने वो तीनों चीज़ें मिक्स करके हल्की हल्की आँच पे उसे पकाया था, और जब हाफ लीटर पानी बच गया तो ये मैंने निकाल लिया। ये जिस तरह देख रहे हैं आप शैम्पू की तरह, जिस तरह दूसरे शैम्पू में ये झाग सी बन जाती है, ये देखें ये उसी तरह झाग सी बन रही है। ये देसी शैम्पू है, आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसके साथ आपकी बालों की तमाम जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, आप रोज़ाना भी आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, हफ्ते में कम से कम जो है हफ्ते में आप तीन मरतबा इसे लाजमी इस्तेमाल करें। इसके साथ अपने बालों को धोएँ, ये जिस तरह दूसरा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसी तरह आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन इससे आपने पाँच मिनट लगा रहने देना है, पाँच मिनट आप लगा रहने दें तो इंशाल्लाह इसके साथ उसके बाद अपने यानी कि पानी की मदद से आप इसे धो लें अपने साथ को, इंशाल्लाह इसके साथ आप देखेंगे कि आपके बाल एक महीने के अंदर अंदर आपके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके अलावा मैंने एक और भी टोनर एक बनाया था, धनिया का टोनर, वो आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों आप कम्बिनेशन जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके साथ आपके बालों की लंबाई इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी सोच से भी ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगी घंटी के निशान को भी दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो हमारी दूसरी बहनें हैं वो भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हुए अपने बालों की लंबाई जो है वो उसकी यानी कि ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह उन्हें जल्दी से जल्दी कर सकें। तो अब हमें डॉक्टर मदद को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।